दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो इतनी सारी आबादी बढ़ रही है, ये सच में एक चिंता का विषय है। और अगर हमने इस बढ़ती हुई आबादी पर ध्यान नहीं दिया तो पूरी की पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। और ये खतरा किसी परमाणु बम, सुनामी या भूकंप से नहीं होगा, बल्कि अपनी खुद की ही नासमझी की वजह से होगा। आज साल 2020 में पूरी दुनिया में करीब 7.7 अरब लोग हैं, और ये गिनती हर वक्त बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह समय के साथ साथ हमारा ब्रह्मांड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से हमारी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हम सभी इंसान पृथ्वी नामक एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन जिस तरह से किसी भी बर्तन में पानी के भरने की कुछ मर्यादा होती है, क्या इसी तरह पृथ्वी की भी कोई कैपेसिटी होगी? क्या होगा अगर हमारी आबादी धरती की कैपेसिटी को पार कर जाए तो? कितनी आबादी का बोझ उठा सकती है हमारी धरती? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सभी ने सन 2018 में आई हुई फिल्म अवेंजर इन्फिनिटी वॉर जरूर देखी होगी, जिसमें थानोस ब्रह्मांड में मौजूद रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के बीच बैलेंस बनाना चाहता था, और इसी के लिए वो पूरी दुनिया के 50% लोगों को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसका जो घर था टाइटन, वो हद से ज्यादा पॉल्यूशन के कारण खत्म हो चुका था, और अब वो पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाना चाहता था। खैर, ये तो एक मूवी की स्टोरी थी, लेकिन क्या इस मूवी में जो खतरे की बात कही जा रही थी वो सच हो सकती है? तो आइए देखते हैं कुछ आंकड़े, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारी दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। बात करें सन 1804 की, तो पूरी दुनिया की आबादी करीब 1 अरब थी। जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था, तब से लेकर सन 1804 तक इंसानों की आबादी बढ़कर केवल 1 अरब तक ही पहुंची थी। और इसके करीब 100 साल बाद सन 1927 में इंसानों की आबादी 2 गुना ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 2 अरब हो गई। इसके बाद जनसंख्या की ग्रोथ तेजी से बढ़ती रही, और करीब 30 साल बाद सन 1959 में यह आबादी बढ़कर करीब 3 अरब हो गई। सन 1974 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, और 2011 में 7 अरब हो गई। और आज सन 2020 में इंसानों की जनसंख्या करीब 7.7 अरब तक पहुंच गई होगी, और यह आबादी रोज तेजी से बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि आबादी बढ़ती है तो हमको क्या, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो आसानी से भरपेट खा रहे हैं, हमारा घर तो अच्छी तरह से चल रहा है, और धरती पर हमारे लिए तो बहुत सारी जगह है जहां हम अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पानी है, तो भला हम इसके बारे में चिंता क्यों करें? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे एक गिलास पानी में सीमित मात्रा में ही पानी भर सकते हैं, क्योंकि अगर लिमिट से ज्यादा पानी भर गया तो वो बाहर गिर जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी धरती की भी एक कैपेसिटी है, और इस कैपेसिटी से ज्यादा आबादी होने पर इसका प्रभाव सभी पर पड़ने वाला है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की वजन उठाने की कैपेसिटी करीब 16 अरब है। वैसे तो ये केवल एक अंदाजा है, लेकिन धरती के सारे संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिस तेजी से हम इंसानों की आबादी बढ़ रही है, देखकर ऐसा लगता है कि सन 2050 तक मानव की आबादी बढ़कर लगभग 9.8 अरब के करीब पहुंच जाएगी, और सन 2100 तक ये आंकड़े 11.2 अरब तक पहुंच जाएंगे। ये बात तो सबको पता ही होगी कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन चुका है। सन 2020 में भारत की आबादी करीब 135 करोड़ से 140 करोड़ के बीच है, वहीं चीन की जनसंख्या 140 से 145 करोड़ के आसपास। चीन ने अपनी देश की आबादी कम करने के लिए सन 1979 में चाइना पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी। इसके अलावा चीन ने अपने नागरिकों के लिए समय समय पर कई सारे नियम भी लागू किए, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी, डॉटर ओनली हाउसहोल्ड पॉलिसी वगैरह वगैरह, ताकि जनसंख्या में कंट्रोल रहे। और इन पॉलिसी के कारण दोस्तों चाइना की जनसंख्या में बहुत ही गिरावट आई है, लेकिन हमारे भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2024 तक भारत आबादी के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में धार्मिक और राजनीतिक अंधविश्वास के कारण लोग बढ़ती हुई जनसंख्या में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ हर धर्म के लोग अपनी अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, जो एक कड़वी सच्चाई है और बहुत गलत बात भी। अगर वक्त रहते ही इस बेवकूफी को काबू नहीं किया गया तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारत की पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि आबादी झेलने की कैपेसिटी मात्र 52 करोड़ 90 लाख है, लेकिन हमारा देश इस मर्यादा को बहुत पहले ही पार कर चुका है। यानी कि हमारा देश एक
ओवर पॉपुलेटेड देश है। इसी के कारण भारत में रोजगार की कमी है, गरीबी है, भुखमरी है, जिससे आज ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। आपने सुना ही होगा कि भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पीने का पानी और खाने की बहुत कमी है। ये सब इसी कारण से हो रहा है। पूरी दुनिया में हर साल जनसंख्या में करीब 1.1% की वृद्धि होती है। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर दिन करीब 3,60,000 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि हर मिनट में लगभग 250 बच्चे। दूसरी तरफ हर दिन करीब 1,51,600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो संख्या में इतनी मृत्यु होने के बावजूद भी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्यों सन 1804 से जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है? आइए जानते हैं इसका कारण। दोस्तों, इसका कारण है 19वीं सदी में आई हुई औद्योगिक क्रांति। इससे पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, तब ज्यादातर लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे और गरीबी के कारण मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा थी। औसतन एक परिवार में करीब 6 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन युवावस्था तक पहुंचते करीब 2 बच्चे ही बच पाते थे। औद्योगिक क्रांति की वजह से लोगों के जीने के तरीके में बदलाव आया है और इसी वजह से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी उत्पन्न हुई है, जिसकी बदौलत मृत्यु दर में कमी आई है। 16वीं से 19वीं सदी तक यूरोप में औसतन आयु 30 से 40 वर्ष की होती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया की औसतन आयु करीब 70 वर्ष के आसपास है। तो इससे आप समझ सकते होंगे कि बेहतर रोजगार, बेहतर दवाएं, बेहतर इलाज के कारण इंसान की उम्र पिछले 200 सालों में ज्यादा बढ़ गई है। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन इससे हमें खतरा भी हो रहा है। दोस्तों, आज अगर हमने इस ग्रोथ रेट को काबू नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर मौजूद सारी चीजें हमारे लिए कम पड़ जाएंगी। धरती पर मौजूद 71% पानी में से हमारे पीने योग्य केवल 2.5% ही है और इनमें से 68.7% पानी अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 30.1% पानी जमीन के नीचे है। अब बचता है केवल 1.2% पानी जो कि झरने, नदी और तालाब के रूप में मौजूद है, यानी हमारे पास पीने के लिए बहुत ही कम पानी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कमरे में 10 लोग हैं जो बहुत ही भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनके पास खाना और पानी केवल 2 लोगों के लिए ही है, तो ऐसे में क्या सब लोगों का पेट भर पाएगा? नहीं, ऐसे में सब लोग एक दूसरे को मारने और काटने पर उतर जाएंगे और अंत में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी का पेट भरेगा और उसी की प्यास बुझेगी। और दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए कुछ इसी तरह का खतरा लेकर आएगी, तो हम सभी को आज से ही इस आबादी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।